यह चैनल किसी भी अवैध सामग्री को बढ़ावा नहीं देता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री का मतलब है शैक्षणिक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय चैनल ऑफिशियल होम। सो दोस्तों, आज मैं आया हूँ यूट्यूब्स की थोड़ी बहुत अपडेट्स लेकर और थोड़ी बहुत गलतियाँ लेकर कि यूट्यूब्स हमारे साथ क्या गलतियाँ कर रहा है और जो यूट्यूब की जो टीम है वो कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली 19 तारीख को जो हमारे पे अपडेट मिला था, बम गिराया था, मतलब यूट्यूब वालों ने, उन्होंने कहा था कि हमारी मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगी अप्रैल के लास्ट तक। ठीक, बट आपने देखा उन लोगों ने डेट को आगे बढ़ा दिया। ठीक, वो छोड़ो, वो सब बात छोड़ो, उसकी बात ही छोड़ देते हैं, हम सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, टॉपिक ये है कि उन चैनल पर मोनेटाइजेशन को इनेबल किया जा रहा है जिन चैनलों पे कोई भी टारगेट अचीव नहीं है, लाइक 4000 वॉचिंग टाइम और 1000 सब्सक्राइबर जिसके कंप्लीट नहीं है, उनके चैनल पे मोनेटाइजेशन को इनेबल कर दी जा रही है। ठीक, तो बेसिकली ये देखा जाए तो जो YouTube की जो टीम है वो ढंग से वर्क नहीं कर पा रही, या फिर वो टीम उनका वर्क नहीं कर पा रही, या फिर उनके सिस्टम में कुछ फॉल्ट है, या फिर कुछ उनके एल्गोरिथम में कुछ फॉल्ट है, जिसकी वजह से जो भी नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं जो रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि हाँ हमारी मोनेटाइजेशन को इनेबल कर दो, उनकी मोनेटाइजेशन इनेबल हो जा रही है। और जो डेढ़ दो दो साल से मेहनत कर रहे हैं, जिनकी मतलब टारगेट अचीव से बहुत आगे निकल गए, उनकी मोनेटाइजेशन को इनेबल नहीं किया गया है। ठीक, और मेरा भी चैनल उसमें से एक आता है जिसकी मोनेटाइजेशन को इनेबल नहीं किया गया। टारगेट मैंने 3 महीने पहले ही अचीव कर लिया था, फरवरी में ही कर लिया था, फरवरी में 20 तारीख के बाद मैंने कर लिया था, और अब तक मेरी मोनेटाइजेशन को इनेबल नहीं किया गया है। ऐसे कई चैनल्स मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे हैं जिनके टारगेट्स भी कंप्लीट नहीं है, मोनेटाइजेशन इनेबल है। ठीक है, उन लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं उस पर कि हमारी वीडियोस 616 सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुकी है। किसी ने बताया है कि मेरे अभी मैंने स्टार्टिंग में चैनल बनाया था और मेरी मोनेटाइजेशन को इनेबल कर दिया गया है, यूट्यूब ने हमारे चैनल को इनेबल कर दिया है। ठीक, तो देखा जाए तो अगर जो बंदों ने अपने टारगेट अचीव कर लिया है वो तो जून के लास्ट तक जो उसने डेट दी है यूट्यूब वालों ने, कोई फ़ायदा नहीं, इनकी डेट का कोई भी वैल्यू नहीं है, इनकी डेट की ये डेट देते रहेंगे और ये मैक्सिमम ये पूरे साल डेट देंगे, ये 100% है जिनकी चैनल एक्टिवेट नहीं होंगे। और उसमें से नंबर वन चैनल पे मेरा चैनल का नाम आता है क्योंकि मेरे चैनल पे इस साल तो मोनेटाइजेशन इनेबल होने से रही। मेरे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, मेरे पास कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी नहीं है, ना मोनेटाइजेशन, ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक है। ठीक है, उसके बावजूद इन लोगों ने इतनी नौटंकी कर रखी है कि क्या कहें। अब अगर कुछ बोला जाए, गलत बोल दें यूट्यूब के बारे में, तो यूट्यूब तो चिढ़ जाएगा कि हाँ भैया गलत बोल दिया, स्ट्राइक दो ठोको साले को। हाँ ठीक है, स्ट्राइक तो तुमने दे दी, ठीक स्ट्राइक दे दी, कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक दे दी, ठीक है दे दो तुम। बट एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो यूट्यूब गलती करता है, ठीक है, यूट्यूब इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रहा है, हाँ, तो उसका कोई मतलब एक तरीके से देखा जाए, अगर कोई भी कंपनी में हम जाते हैं काम करने, ठीक, तो कंपनी में 1 साल काम करेंगे तब जाके हम पेमेंट लेते हैं, 1 साल काम करेंगे बट उसकी पेमेंट वो नहीं देगा, वो कहेगा कि हम तुम दूसरे साल काम करो उसके बाद हम तुम्हें पेमेंट देंगे। ठीक, तो क्या होगा, बंदा तो वैसे ही मर जाएगा, 1 महीने 2 महीने के अंदर ही मर जाएगा। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो जैसे कि यूट्यूब ये गलतियाँ कर रहा है, तो चलिए पहले मैं चैनल्स दिखा देता हूँ कैसे कैसे चैनल्स हैं। और मैं यूट्यूब फोरम पर इतनी सारी मेल की है मैंने और कितनों के रिप्लाई आए हैं आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहला मैंने 27 अप्रैल को मेल की थी कि कई चैनल्स ऐसे हैं, मैंने इनसे पूछा था कि सर ऐसे से कई चैनल्स हैं, गेम प्ले 942 करके चैनल था, 2 चैनल्स के लिंक्स भी दिए थे मैंने कि इनकी मोनेटाइजेशन कैसे इनेबल है मुझे बताओ आप, तो इनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। 27 तारीख को मैंने मेल किया इनको, मतलब यूट्यूब फोरम पे मैंने पोस्ट किया था, बट अब तक इनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया, कोई भी रिप्लाई। तो मतलब या रिप्लाई दो या फिर तुम देना तो तुम्हें रिप्लाई तो देना ही चाहिए कम से कम, मैं भी तो वेट कर रहा था तुम्हारा कि हाँ कब दोगे तुम रिप्लाई, और उन्होंने आज तक अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं दिया मुझे। ठीक है, तो ये तो छोड़ो, ये तो हो गई भयंकर मोनेटाइजेशन की बात कि ये कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे, जिनकी टारगेट अचीव भी नहीं है, जिनका टारगेट कंप्लीट भी नहीं है, उनकी मोनेटाइजेशन को भी इनेबल कर दिया इन्होंने। कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जिनके इनेबल्स हैं, ठीक है, तो इसको तो छोड़ दो, तो इनसे पूछा सवाल तो ये तो बताया नहीं, इन्होंने बताया ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं, मैंने इनसे पूछा कि वाई माई मोनेटाइजेशन इज़ नॉट इनेबल। ठीक है, उसके बाद भी मैंने 30 अप्रैल को मेल किया था, अब तक इनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। सिस्टम से जो रिप्लाई आया था, सिस्टम से तुरंत के तुरंत रिप्लाई जो आता है सिस्टम के थ्रू, बस वही रिप्लाई आया था, उसके बाद कोई भी रिप्लाई नहीं आया, इसके बंद कर दो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैंने यूट्यूब 19 तारीख को जो मेल की थी मैंने, तो उस टाइम पे मतलब ये सब आए थे फॉरम में,
फॉरम पे बहुत लोगों ने बताया 14,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हैं और 79,000 पता नहीं कितने वॉच टाइम कंप्लीट हो चुके हैं बंदों के, और उनकी मोनेटाइजेशन को इनेबल ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक चैनल है, यहाँ पर भी ये चैनल मेरा ही है दोस्तों, मैंने इसको मेल किया था तो इसमें भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मतलब देखा जाए तो ना ही यूट्यूब कोई रिप्लाई कर रहा है और ना ही कुछ कर रहा है, मतलब काम तो कर ही नहीं रहा। कर रहा होगा तो पता नहीं, अपने लिए कर रहा होगा, हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखा जाए तो यही यही सच्चाई है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप YouTube के भरोसे हैं तो YouTube के भरोसे मत रहना, वरना लाइफ झंडू बाम हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और मैं वो चैनल दिखाता हूँ जो अभी हाल ही में एक्टिवेट हुए हैं, हाल ही में। ठीक है, तो ये तो था अलबुर्क। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो GSM अलबुर्क नाम से पहले इसने चैनल बनाया था जिसपे ये केवल एंड्रॉयड्स के बारे में बताता था। ठीक, और जब इसके चैनल के वीडियोस बहुत लोगों ने बना दी कि इसकी मोनेटाइजेशन कैसे इनेबल है, तो उसके बाद इसने क्या किया, अपने चैनल का नाम चेंज करके गेम प्ले 942 कर दिया और गेम्स की वीडियोस डालना शुरू कर दिया। इसने भी वीडियोस डाली है कि 616 सब्सक्राइबर होके मेरी मोनेटाइजेशन को इनेबल कर दिया गया है, यूट्यूब ने इनेबल कर दिया है। अच्छी बात है यार, तुम्हारा इनेबल हो गया। बट इतने बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, महंगा अच्छे खासे, मतलब यूट्यूबर्स नहीं कहना, मतलब बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनकी बहुत अच्छी देखा जाए तो बहुत अच्छा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हैं रोज़ के रोज़, उनकी मोनेटाइजेशन को इनेबल ही नहीं किया जा रहा है। ठीक है, कोई नहीं, तो चलिए इस चैनल को बंद करते हैं। अब दिखाते हैं एक और तरुण समाधान करके, ये चैनल है तरुण समाधान करके। इस चैनल पर इस बंदे ने जो चैनल स्टार्ट किया था 2014 में, और इसके व्यूज़ हैं 567 व्यूज़। ठीक है, 567 व्यूज़ हैं मात्र, और इसकी जो वीडियोज़ हैं मात्र 1, 2, 3, 4, 5, मतलब एक वीक्स पहले इसने वीडियो डाली थी। ठीक है, और एक वीक्स के अंदर ही इसकी मोनेटाइजेशन को इनेबल भी कर दिया गया था। वाह, ये देखिए, खोल के देखते हैं मोनेटाइजेशन इनेबल है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मोनेटाइजेशन का एक लोगो आ रहा है, यहाँ पर भी मोनेटाइजेशन आ रहा है, और यहाँ पे हम चल के दिखा देते हैं आपको आगे बढ़ के। तो ये देखिए मोनेटाइजेशन चल रही है इसके पे, 30 सब्सक्राइबर से मात्र, और इसकी मोनेटाइजेशन को इनेबल कर दिया गया। वाह, मज़ा आ गया यार, मज़ा। यूट्यूब मतलब चूतिया बनाने का हद पार कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी तो मोनेटाइजेशन को इनेबल कर दिया, और देखा जाए तो पूरा का पूरा डेटा कॉपीराइट कर रखा है इस बंदे ने। ठीक, उसके बावजूद और ऐसे कई चैनल्स मैंने देखे हैं जिनकी मोनेटाइजेशन को इनेबल कर दिया है, जिनके टारगेट्स भी कंप्लीट नहीं है। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये मतलब ये मैसेज मैक्सिमम लोगों को पहुँचाओ आप लोग, कि ये पता चल सके कि ये फॉल्ट क्या है, यूट्यूब पे ऐसा फॉल्ट आ क्यों रहा है, या फिर ये टेक्निकल फॉल्ट है, या फिर ये एल्गोरिथम में फॉल्ट आ रहा है, या फिर ये यूट्यूब की जो टीम है वो गलतियाँ कर रही है। अगर YouTube की गलतियां कर रही है तो YouTube को सुधारना चाहिए, बट YouTube अब तक उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया। बहुत लोगों ने वीडियोस बना चुके हैं बट कोई एक्शन नहीं ले रहा है YouTube। वो एक्शन ले रहा है किस पर, जो मतलब कमज़ोर आदमी है, कमज़ोर क्या, कमज़ोर को उठा रहा है। और देखा जाए तो भयंकर जिनके सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, वॉच टाइम भी अच्छा खासा गेन कर रहे हैं, उनकी मोनेटाइजेशन को इनेबल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो बस यार मेरे दिमाग ख़राब हो गया मेरा YouTube से, कि YouTube पता नहीं क्या कर रहा है। मतलब भले मेरी मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं कर रहा, ठीक है, बड़े बड़े चैनलों की कर दे कम से कम, वो भी नहीं कर रहा, ठीक है छोड़ो, उसको भी छोड़ो। और एक आया था कि YouTube ने बोला था कि हमने रिव्यू करना शुरू कर दिया है। ठीक, वो कह रहा था मुझे YouTube पे, जो YouTube के फॉरम पे मैसेज किया था विलियम ने, कि YouTube पर हमने मोनेटाइजेशन को स्टार्ट रिव्यू चैनल रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया है, और कुछ ही दिनों में मतलब सारे चैनल्स के रिव्यू हो जाएंगे। ठीक है, और देखा जाए उसने एक एग्जांपल दिया था एक चैनल का, तो मतलब वो पूरे 3 महीने में एक चैनल को रिव्यू कर रहे हैं। तो जहाँ तक का हमारा जो सवाल है, इसका मतलब मैक्सिमम 10 साल लग जाएंगे हमको भयंकर रिव्यू करने में इनको इनकी टीम को, तो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बस फ्रस्ट्रेशन के, दिमाग ख़राब हो गया YouTube से मेरा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। और मैं ये दिखाना चाहता था कि YouTube ने कितनी बड़ी गलतियाँ करते जा रहा है, और वो सोचता है कि लोग बस चूतियाँ बनाते जाओ लोगों को। ठीक है, तो आशा करता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको इतना ज़्यादा शेयर करो कि YouTube के पास ये वीडियो जाए, भले वो डिलीट मारेगा, मारे साला, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसे कई चैनल्स मैंने देखे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं। हाँ भैया, यूट्यूब पर काम करो, पेशेंस रखो। कितना पेशेंस रखेगा बंदा, 1 साल रखेगा, 1.5 साल, कितने साल रखेगा पेशेंस। कितने चैनल्स हैं जिनके 2017 में अक्टूबर में 4,000 वॉचिंग टाइम तो कब के कंप्लीट हो चुके थे, उनके तक मोनेटाइजेशन को इनेबल नहीं किया गया। मतलब
कहने का मतलब है कंपनी में हमारे काम करो, बस पैसे मत लो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यही मैं कहना चाहता था। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि ऐसे कई चैनल्स हैं जिनकी मोनेटाइजेशन को मतलब टारगेट कंप्लीट ना होने के बाद भी मोनेटाइजेशन को इनेबल कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑफिशियल। बाय बाय।